पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। गढ़वा जिला अंतर्गत टंडई गांव का भोराहा टोला निवासी किस्मतिया देवी व उसके पति ननकू सिंह को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इस परिवार को कई दशक से कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिल पाया है। यह आदिवासी परिवार झोपड़ी नुमा खपरेल घर में पिछले कई दशक से रहने को मजबूर है। वहीं किसी तरह से मजदूरी का कार्य कर अपने परिवार का गुजारा चला रहा है। इसके परिवार में कुल 6 सदस्य हैं, जो खाने पीने दवा दारू सहित अन्य खर्चों के लिए दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर है। इस आदिवासी परिवार के किस्मतिया देवी ने बताया कि हम लोगों का झोपड़ी युक्त खपरेल घर है, जो हर बरसात के दिनों में ध्वस्त हो जाता है। हम लोग बरसात के दिनों में किसी तरह यहाँ वहाँ रहकर गुजर बसर करते हैं, फिर भी हमें सरकार की ओर से आवास नहीं मिला है। उक्त महिला ने बताया कि आज तक हमें ना तो प्रधानमंत्री आवास मिला है और न ही जन वितरण प्रणाली दुकान से राशन मिलता है। मजदूरी का काम करते हैं तो खाते हैं, मजदूरी का काम नहीं मिलता है तो पड़ोस के लोगों से मांग कर गुजारा करते हैं। महिला ने बताया कि बड़े बड़े लोगों को सरकारी लाभ मिल रहा है, गरीबों को पूछने वाला कौन है। वहीं उसके पति ननहुक सिंह ने बताया कि आज तक हमें कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है। हमें ना तो प्रधानमंत्री आवास मिला है, ना ही ढोबा मेड़बंदी तालाब पीएम किसान निधि योजना का लाभ और न ही कोई अन्य योजना का लाभ मिला। उक्त व्यक्ति ने बताया कि मनरेगा के तहत कुआं निर्माण के लिए वार्ड सदस्य प्रतिनिधि राजेश कुमार गुप्ता के पास गए थे और कई दिन चक्कर काटने के बाद राजेश ने कहा कि कुआं निर्माण योजना कराने में 15,000 रुपए लगेगा, तभी कुआं का योजना मिल सकेगा। उक्त व्यक्ति ने बताया कि अभी हमारे पास 15 पैसा भी नहीं है और हम अभी खाए बिना मर रहे हैं। बताया कि सरकार की कोई भी योजना लेने के लिए अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों के द्वारा पैसे की मांग की जाती है, जिससे गांव के गरीब व्यक्ति योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं।